बहन जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अरे अरे शांता जी। दीदी जरा मोमबत्ती जला के लाना, लाइट चली गई है। हाँ दीदी ला रही हूँ। जी माफ कीजिएगा, हाल ही में इन्वर्टर खराब हो गया है। जी कोई बात नहीं बहन जी। जी आप आगे बोलिए। बहन जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस साल आपका बेटा भी बोर्ड्स का एग्जाम देने वाला है ना? जी इसी साल देने वाला है वो। तो फिर आप ही बताइए बहन जी, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? 4,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती बहन जी, खास करे बच्चे के लिए। औकात के बाहर है लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ मानना तो पड़ेगा, होने वाली बहू जो है मेरी। और भाभी मिली कि नहीं आज? अबे काय की भाभी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे जैसा कोई एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। अब क्या हो गया यार, वो लड़की काफी टाइम से उस रास्ते से आई नहीं है। तू पीछा कर रहा है उसका? अबे नहीं यार, मैं सुबह 7 बजे जाके खड़ा हो जाता हूँ उस रास्ते पे और वो वैन करीब उसी टाइम के आसपास मुझे क्रॉस करती है, पर पिछले 1 महीने से वो वैन उस रास्ते से आई ही नहीं है। वैसे ओमनी वैन में बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं आजकल। बच्ची नहीं है वो? हाँ मतलब वही भाभी। भाभी भी नहीं है वो? हाँ तो बंदी। ओ, बंदी मत बोल यार, शर्म आती है मुझे। हाँ तो लड़े तू ही बता, इस प्यार को क्या नाम दूँ? मुझे नहीं पता यार। ये लड़की तो कई तरह से। चुप कर। Hey, what's up? थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गायब था, सो आई गेस यू गाइज डिजर्व टू नो एटलीस्ट।